दोस्तों मैं हूं निशिता गाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज किनवट में बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि ये खुशी इसलिए होती है कि दोस्तों एक दूसरे की मदद से ही बहुत कुछ होता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे बच्चे जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वॉलीबॉल जीत कर आए, और आज की न्यूज़ की टीम की तरफ से इन सबको मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ पर किनवट में सभी लोगों ने इनका सत्कार किया, फूलों का हार डालकर और फटाके फोड़कर, और खुशी का दिन है। और क्योंकि ये इनकी मेहनत का फल है, और मेहनत का फल दोस्तों हर कोई ला नहीं सकता, और मेहनत के बलबूते ही जीत मिलती है। तो यही इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ पर पूरे नौजवान जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना बहुत बड़ी बात है, और किनवट एक आदिवासी इलाके से जाना जाता है, और इसमें सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पर आज जो सिखाने वाले सर है उनसे बात करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वॉलीबॉल जीत कर आए हैं तो इनको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी है। और यहाँ पर प्रतीक सर है जो कि इनके कोच भी है और इनको सपोर्ट करने वाले भी है। और हम पूछते हैं कि प्रतीक सर, जो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वॉलीबॉल जीत कर आए हैं तो कैसा लग रहा है और क्या क्या मेहनत करना पड़ा है इसमें? कुछ भी नहीं, मेहनत करना ज़्यादा नहीं लगी, बच्चे पहले से प्रिपेयर थे। अच्छा, तो है ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं था सिखाने में, ना उतना भी टेंशन नहीं था, बच्चे समझ ले रहे थे। और है ना, डिस्ट्रिक्ट आप भी जीतने गए तो उतनी कुछ नहीं है। अच्छा। विभाग जीतेंगे, स्टेट भी मारेंगे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने टीम आए थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए थे 16 टीम। अच्छा, हमने हराए सेमीफाइनल में देगलूर को। अच्छा, और फाइनल में। अच्छा, तो जो क्वालिफाई हो रहे थे तो उसमें कॉपरेट कर रहे थे क्या बच्चे? पूरे बच्चे अच्छे कॉपरेट कर रहे थे। अच्छा, फर्स्ट मैच थोड़ा टफ रहा। हाँ। पहले मैच में थोड़ा थकावट थी, फिर लास्ट में ना बच्चों ने कॉपरेट। यहाँ पर कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो आप? हम इस्लामपुर में। इस्लामपुर में। अच्छा, तो इसमें सभी लोग पाए जाते हैं, सभी जात धर्म का कुछ भी नहीं है इसमें, समझो खिलाड़ी में और खेल में जात धर्म का नहीं है, समझो इसमें जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, नहीं तो बैठ के रहेंगे। अच्छा, तो वहाँ पर कौन से मैदान पर खेला गया? वहाँ पे साइंस कॉलेज में, साइंस में था। अच्छा, ये कितने साल के बच्चे हैं अभी? अभी अंडर 16 है। अंडर 17 के खेले, अंडर 16 में आ रहे सब जो। ऐसा क्या? क्या प्राइस था उसमें? प्राइज नहीं रहता इसमें, सर्टिफिकेट मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहता, और आगे जाके विभाग और स्टेट में आ रहे तो बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा है। आपके माध्यम से जितने भी जीतने वाले हैं और भी आपके साथ में आने वाले हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? मेहनत करो और भरोसा रखो। ठीक, थैंक यू। और दूसरे आपके साथ में कौन कौन कॉपरेट किए? सहयोग जग पे फरहान दा थे। अच्छा, फरहान सर और है ना मेरे पहले के जो गुरु थे सर। अच्छा, वो थे, और तांदे सर मुख्य शिक्षक बोल के आए थे। अच्छा, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हाँ। बच्चों को ज्यादातर है ना मेहनत करने नहीं दी इधर उधर जाने में। अच्छा, सब कुछ कोऑपरेट करके उनका मनोबल रखते हुए फरहान भैया ने अच्छा खिलाया थोड़ा। अच्छा, बाद में मैंने देख लिया बाकी। ठीक है, थैंक यू।